हे बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल? सॉरी यार, थोड़ी नेचर कॉल आ गई थी। नेचर कॉल समझते हो तुम लोग? हु विल अंडरस्टैंड नेचर कॉल? कौन समझेगा नेचर कॉल? नेचर कॉल समझते हो कि नहीं समझते हो? समझते हो गए तुम लोग तो? ऐसे तुम तो समझदार हो भाइयों के बच्चों, सबको पता है नेचर कॉल क्या होती है। नहीं क्या? नेचर कॉल समझते हो कि नहीं समझते हो? भाई कोई भरोसा नहीं है आजकल बच्चों का। नेचर कॉल अच्छा है। तो बस वही नेचर कॉल आ गई थी। तो मैंने कहा भाई मेरे को सेशन तो चालू कर दो, बच्चे वेट कर रहे हैं, मैं अभी नेचर कॉल निपटा के आ जाता हूँ। तो मैं बोला कि ठीक है सर, आप नेचर कॉल निपटा के आओ, इतने में सेशन को मैं शुरू कर देता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है भाई, सही बात है कि नहीं बात है? पानी भी नहीं पिया, पानी अभी टेक्निकल टीम से मंगवाएंगे। कैसा कैसन बबुआ, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग? इज एवरीथिंग फाइन? सब बढ़िया चल रहा? जिंदगी में देखो सब बढ़िया होना चाहिए। जिंदगी में एक बात याद रखो, ठीक है? क्या याद रखने का? कोई आए कोई जाए, मत रो बिंदास रो। समझ पाता है? सो दैट इज द की ओनली। ठीक हो, सिर्फ उन मोमेंट्स को याद करो जब लोग आपके साथ थे, है ना, मजा आएगा। बस देखो, अपनी अपनी मजबूरियों से इंसान जाता है आपकी जिंदगी से, तो दुख नहीं बनाना उसको, इनफैक्ट उसको चेरिश करना हमेशा कि सब बढ़िया है, सब मजेदार में, सब बिंदास है। तो चलो, पहली बात तो ये थी मेरे प्यारे बच्चों कि नेचर कॉल के बाद मैं थोड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ, और अब जो कि अच्छा फील कर रहा हूँ तो आपके सामने एक सवाल दिया हुआ है। सवाल क्या दिया हुआ है? विच अमंग द फॉलोइंग शोज और नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो, इनमें से नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो किसका है? अब ये सवाल एक्चुअली आज हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, तो सवाल उसी से रिलेटेड है। तो बेसिकली आपसे पूछेगा इनमें नेट डाइपोल मोमेंट जीरो किसका है, CO2 का, BF3 का, BEF2 का, या ऑल ऑफ दी अबव का, है ना? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। अब सवाल का जवाब तो बेहद आसान है, तो कोई बात नहीं यार, पर इसी को सीखना है आज हमें, कि आज मैं आपको बहुत ही बिंदास बिंदास ऐसी चीजें सिखाऊंगा, आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि कोर चीजें हैं आज। आज इतनी बढ़िया चीजें जिस पे से वाकई में अगर आप टॉप करना चाहते हो ना, तो टॉप लेवल के क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं, तो उसको जरा चेक कर लेते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा आवाज लगा लेता हूं। टेक्निकल टीम प्लीज पानी दीजिए। डैडी मुझसे बोला तू गलती है मेरी, तुझ पे जिंदगानी अब गिल्टी है मेरी। चलो आगे चलते हैं। साबुन की शक्ल में बेटा तू तो निकला केवल झाग झाग झाग। चलो आगे चलते हैं, आग आग आगे चल। चलो, सो फाइनली यहां पर सीन कुछ ऐसा है कि इनमें से डाइपोल मोमेंट पूछा है, काफी बच्चों ने तो आंसर दे दिया है। चलो तब तो आगे चलते हैं। सर वेदांतों की टी शर्ट, ओ माय गॉड शिट, ओ माय गॉड, सही बात है, किसी बच्चे ने वेदांतों की टी शर्ट ही पहनी, वेदांतों की टी शर्ट लाके दो, ये गलत हो गया, पाप लग गया मेरे को। तो ठीक है, तुम लोग इस सवाल का जवाब दो, तो मैं पर्दे के पीछे से बोलूंगा वेदांतों की टी शर्ट पहन रहा हूँ अभी लाइव सेशन में। वेदांतों की टी शर्ट दे दो, वेदांतों की टी शर्ट भूल गया, माफी चाहता हूँ मैं वेदांतों। देखो वेदांतों तो हमारे दिल में दिमाग में बसा हुआ है, ठीक है यार, टी शर्ट पहनना भूल गए। नेचर कॉल पूरी हो गई, अभी वेदांतों की कॉल पूरी करनी बाकी है। तो देखो लाइव सेशन में टी शर्ट चेंज तो कर नहीं सकता हूं मैं, तो पर्दे के पीछे जाके टी शर्ट चेंज करूंगा मैं। ना लाइक देखो कैसे मजे ले रहे हैं बच्चे। तो फाइनली चलो फटाफट से सवाल का जवाब दो। टी शर्ट देखो आ गई मेरी, टी शर्ट देखो, टी शर्ट बहुत प्यारी सी अच्छी सी टी शर्ट है, अभी पहनूंगा मैं इसको। इतने में तुम इस बार सवाल का जवाब दो जल्दी से। ओके अमेजिंग मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग कमाल कर रहे हो, धमाल कर रहे हो, और मैं चाहता हूँ तुम लोग सवाल करो, मैं दिख तो नहीं रहा हूँ ना तुम लोगों को, ऐसे दिख जाओ तो क्या होएगा पता नहीं। सो फाइनली क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग, विच अमंग द फॉलोइंग सवाल पूछा गया है आपसे। क्या सवाल पूछा है आपसे? सवाल ये पूछा है, देखो मैं तैयार हो गया, देखो ये घर पे रहने के लिए फायदा कि चलो ठीक है, टी शर्ट आई कैंडली हो गया अपना काम, है ना, थोड़ा जैकेट शैकेट पहन लेते, थोड़ा सिंसियर लगूंगा मैं, तो लोग कहेंगे कि ऐसी बस आते हैं और बस। चलो तो फाइनली अब मैं वेदांतों की टी शर्ट में हूँ, जंग के लिए तैयार हो जाओ मेरे प्यारे बच्चों। तो चलो फटाफट से खेल शुरू करता है ना, तुम भी किसी दिन टीचिंग करोगे ना तुमको भी ऐसी मजा आएगा। देखो लाइव सेशन में ऐसे 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 आता है मजा। तो फाइनली अमेजिंग मेरे प्यारे बच्चों, क्या बात है, मतलब आज तो मजा ही आ गया, तुम लोगों ने लाइव सेशन में मेरे कपड़े चेंज करवा दिए, क्या बात है बच्चों, मानना पड़ेगा, सही बात है। तो चलो, तो दो घूंट पानी पी लेता हूँ, आज का सवाल बेहद आसान था, अब अपन आगे चलते हैं धीरे धीरे करके। इस सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा, ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो आज फजैन रूल पढ़ाने वाले थे, फजैन रूल से पहले कुछ बेसिक चाहिए, बेसिक चीजों को जानना जरूरी है, तो बेसिक चीजें आज मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग नंबर लेक्चर नंबर 4,
आज की स्लाइड प्रिपेयर की वो गौतम ने किए हैं, सो सब्सक्राइब कर लो फटाफट से चैनल को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। यार देखो सीधी सी बात है, अपनी फैमिली और अपना परिवार है, क्या इसको तुम लोग सब्सक्राइब ही नहीं करोगे? करना चाहिए ना सब्सक्राइब, तो फटाफट से कर लो सब्सक्राइब करो फटाफट से, अपना चैनल और अपना ही परिवार है। और मेरे प्यारे बच्चों, दिल बड़ा है तो लाइक जरूर करना। किस किस का दिल बड़ा है जरा मैं देखूं, किस किस का हार्ट एकदम बड़ा वाला है। सो किस किस का हार्ट बड़ा वाला है, अगर आप लोगों ने अब तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप लाइक जरूर करो, डू लाइक द सेशन मेरे प्यारे बच्चों, है ना। और बस, और इसी तरह से सब्सक्राइब करो चैनल को, बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत जल्दी मैं आप लोगों को कुछ दिखाने वाला हूं, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा उसमें, मतलब इंतजार करो, मजा आ जाने वाला है ना। और मैं आप लोगों को वेदांतु के लॉन्ग टर्म बैच के लिए बता देना चाहता हूं, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, सो हियर वी हैव अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे बच्चों। सो ये कि 2021-22 के बैचेस भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सो 2021-22 के बैचेस में 5000 से ज्यादा लाइव क्लासेस, ठीक है, 20,000 टीचर्स में 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, इसके अलावा टेस्ट है, असाइनमेंट्स है, 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन करवाए जाएंगे, हिंदी इंग्लिश का ऑप्शन मिलेगा। मेरे को हंसी आ रही है, तुम लोगों ने मेरे को टीचर चेंज करवा ली, मतलब कमाल ही कर दिया। देखो इसको बोलता है सोशल मीडिया पावर, टीचर को बोला टीचर पहन के नहीं आए तुम नहीं टीचर चेंज कर रहा होता लाइव सेशन के अंदर, अमेजिंग। इसके अलावा आपके एरिया इंप्रूव करवाए जाएंगे, अगर कहीं आपको तकलीफ है तो वो भी आपको बताया जाता है, और माइक्रो कोर्सेज, क्रैश कोर्सेज सारे अवेलेबल है। सो इन दैट केस मेरे प्यारे बच्चों, फुल एक्सेस मिलेगा आप लोगों को, ठीक है, ये फुल एक्सेस मिलेगा आपको लाइव क्लासेस का। सो अगर आप लोगों ने नहीं लिया अभी तक तो आप ले सकते हैं वेदांतु का प्रो सब्सक्रिप्शन मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें 12 महीने की फीस में 44% सेव कर सकते हो, 2800 रुपए पर मंथ की फीस है, जो कि बहुत ही कम है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, कूपन कोड है AAPRO मेरे प्यारे बच्चों, सो दिस इज अ कूपन कोड जिसके थ्रू आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, समझ में आया सब लोगों को? अमेजिंग। सो चलिए, और फीस मैं आपको बता देता हूँ, वैसे पूरे साल भर का फीस है 42,000, बट उसमें डिस्काउंट है और उसके बाद वो 33,600 रुपीज पड़ेगा आपको, 20% डिस्काउंट है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, AAPRO कूपन कोड है, फटाफट से लगाओ। मंथन बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, ऑसम फैकल्टी पढ़ाती है वहां पे, AAPRO कूपन कोड वहां पे भी यूज कर सकते हो। आज के सेशन की डिटेल है, सुबह बायो के सेशन, फिर उसके बाद दो हमारे सचिन बाबा के सेशन, और उसके बाद मेरे दो सेशन है, अभी पहला लेक्चर आप देख रहे हो, दूसरा लेक्चर एक और है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो फटाफट से शुरू करते हैं केमिकल बॉन्डिंग में। आज फजान रूल है, लेकिन फजान रूल से पहले हम लोगों को कुछ बेसिक्स करने हैं, जो कि फजान रूल को समझने में आपको म से मदद करेंगे। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं, सबसे पहले तो लेक्चर नंबर 3 की रीकैप कर लेते हैं। तो देखो लेक्चर नंबर 3, जो कंटिन्यूअसली लेक्चर देख रहा है ना, बेसिकली उसको तो पता होगा कि क्या चल रहा है। तो लेक्चर नंबर 3 में अगर मान लो आपने लेक्चर नंबर 3 मिस कर दिया, तो क्या चल रहा है उसमें मैं आपको बताता हूं। लेक्चर नंबर 3 में हमने आयनिक बॉन्ड के बारे में डिस्कशन किया था, और उसके अलावा हम लोगों ने बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंथैल्पी, ये बारे में, और बॉन्ड ऑर्डर, इन चार चीजों के बारे में डिस्कशन किया था। और बहुत ही ऑसम तरीके से मैंने आप लोगों को सारी चीजें समझा और सिखा दी थी, आप लोगों ने देखा होगा, है ना। सो फाइनली आपको मैंने होमवर्क भी दिया था, कौन कौन बच्चे हैं जिन्होंने होमवर्क कर लिया जल्दी से बताओ, कौन कौन बच्चे हैं जिन्होंने होमवर्क किया चैट सेक्शन में लिख के बताओ फटाफट से। जिन नलायकों ने होमवर्क नहीं किया उनको डांट लगाता हूं अभी के अभी, जिन्होंने कर लिया उनको शाबाशी भी दूंगा, ऐसी क्या बात है ना। चलो तो फाइनली देखें किन किन लोगों ने होमवर्क कर लिया। इको आ रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, आवाज साफ है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या है सर आपकी वॉइस में बज रही है, वॉइस क्लियर नहीं है क्या, साउंड प्रॉब्लम है, टेक्निकल टीम प्लीज मुझे एक बार बताओ क्या साउंड प्रॉब्लम है, क्या सब कुछ तो ठीक ही था, मुझे एक बार चेक करो अभी क्लियर है, साफ है या इको हो रहा है, कौन बताएगा जल्दी से कि साफ है या साफ है, इको हो रहा है, टेक्निकल टीम, है इको है भाई, अब आज तो पता नहीं क्या ही हुआ है, समझ से परे। तो मैं नीचे बैठ के तो अब क्या किया जाए, आज तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि आज तो एक तो लेक्चर इतना इको आ रहा है, क्या डबल डबल साउंड आ रही है, कुछ तो प्रॉब्लम है, क्या है प्रॉब्लम, एक सेकेंड अभी चेक करो, अभी सही है। अच्छा, समझ गया कहाँ प्रॉब्लम है, आई अंडरस्टैंड, एक सेकेंड रुको।
देर इज अ प्रॉब्लम. ओके अब चेक करो, अब सही है क्या? अब चेक करो, आई थिंक अब सही होगी, है ना? वाह, मैं तो होशियार हो गया हूं. अब ठीक हो गया, अब चेक करो. इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट टीचर. तो फाइनली अब ठीक हो गया होगा, अब चेक करो. ऐसे ही यार जिंदगी. अब चेक करो, अब सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है. अब तो ईगो प्रॉब्लम नहीं है, अब तो ईगो प्रॉब्लम नहीं होगा. चलो, तो मैंने आप लोगों को ना कुछ सवाल दिए थे कल करने को, उनके जवाब मैं आप लोगों को अभी दे देता हूँ. क्वेश्चन देखो, लास्ट टाइम मैंने आपको क्वेश्चन किया था, हाउ टू एक्सप्रेस दी बॉन्ड स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड ऑर्डर. तो देखो, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड ऑर्डर में क्या रिलेशन होता है? जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी उतनी ज्यादा होगी. सिंपल है, इसका मतलब वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो दैट्स वेरी इजी क्वेश्चन जो मैंने आपको कल दिया था होमवर्क में, और काफी बच्चों ने सोशल मीडिया पर मुझे मैसेज भी किया कि सर हमने कर लिया. सो दैट्स रियली गुड, अमेजिंग मेरे प्यारे बच्चों. तो यहां पर आपको मैं कहूं कि एक दो एटम है ए और बी, वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और एक में वो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और एक में वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं. ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले बताओ बॉन्ड ऑर्डर कितना है? वन. यहां पर बॉन्ड ऑर्डर कितना है? टू. यहां पर बॉन्ड ऑर्डर कितना है? थ्री. आ रहा है समझ में? जितना, और ऑब्वियसली जितने बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होंगे, उतनी स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी. आप खुद से सोचो कि एक लकड़ी को तोड़ना आसान है, लेकिन तीन लकड़ी लगा दूं तो उसका तोड़ना हार्ड होगा. इसका मतलब क्या हुआ? जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, वैसे वैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी. तो इसका मतलब क्या हो गया? दैट बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर. सिर्फ इतनी सी कहानी करनी थी. काफी बच्चों ने आंसर दिया था, काफी बच्चों ने नहीं दिया था. उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन भी था. सेकेंड क्वेश्चन क्या था जरा आप चेक करो. सेकेंड क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. इनमें से कौन सी चीज करेक्ट नहीं है? अब इनका आंसर मैं फजान रूल से आपको देता, बट आंसर यहां पर बी बनेगा. ठीक है, आपको मैं बता देता हूं. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड इज मोर देन आयनिक. ये गलत है. सबको पता है कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, बेसिकली उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है. आप खुद से सोचो जरा भी. आपको मैं एक सवाल पूछूं कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड, ठीक है, आयनिक जो बॉन्ड बनाते हैं वो आयनिक कंपाउंड होते हैं. आयनिक कंपाउंड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा होता है? वो होता है, देखो, एनायन और केटायन के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं. ये मैंने लिख गलत दिया. केटायन और एनायन के बीच में पॉजिटिव नेगेटिव का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है मेरे प्यारे बच्चों, प्लस और माइनस के बीच में. ठीक है, सो ऑब्वियसली आयनिक बॉन्ड की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है, बॉइलिंग पॉइंट होती है, वो ज्यादा होती है, कम थोड़ी होगी. तो ये गलत हो गया ना यहाँ पे. तो ये मतलब निकलता है, उसका सवाल का जवाब मैंने आपको दे दिया. फाइनली इसका आंसर क्या बनेगा? बी, जो कि गलत पूछा गया था. नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था, नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट. अमेजिंग. तो फाइनली अब हम चलते हैं आगे. आज जो टॉपिक करने वाले हैं, उसका अगर आप देखोगे तो नीट के अंदर उसका एक सवाल आता है 4 मार्क का, और 2 क्वेश्चन आपको आपको आपके एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगे, मतलब बेसिकली आपके बोर्ड के एग्जाम में भी मिल जाएंगे. तो ये काफी सवाल इसके पूछे जाते हैं. ठीक है, तो चलिए आज हम कवर करते हैं. सबसे पहले तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर, आज का हमारा टॉपिक है रेजोनेंस स्ट्रक्चर. ठीक है, तो आज रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमारा पहला टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर. तो अभी तक आप लोगों ने लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ी थी. अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर में रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखती है. आज पहले इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, और मैं आपको बताता हूं जो टॉपर बच्चे होते हैं उनका रेजोनेंस, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, डाइपोल मूवमेंट, इन पे बहुत अच्छा कमांड होता है. ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत ही हॉट टॉपिक है, गर्म, एकदम मसालेदार टॉपिक है. तो चलो फटाफट से, कौन कौन रेडी है एकदम? आज मैं गोरा चिट्टा दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा हूं? गोरा तो हूं नहीं मैं, गोरा चिट्टा दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा हूं? चलो तो देखिए कितने बच्चे तैयार हैं एकदम जल्दी से बताओ. रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे आज का जो हमारा टॉपिक है, बेसिकली वो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर. तो सबसे पहले तो सब लोगों ने लुईस की डॉट स्ट्रक्चर बना ली. लेकिन मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बताता हूं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की जरूरत क्यों पड़ी. मैं आपको उसकी, आज मैं आपको उसके पीछे की हिस्ट्री बताऊंगा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की जरूरत क्यों पड़ी. स्ट्रक्चर्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल लुईस स्ट्रक्चर, ठीक है, आर शोन बाय रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसी बहुत सारी स्पीसी हैं जिसको एक सिंगल लुईस डॉट स्ट्रक्चर से नहीं दिखाया जा सकता. दोबारा सुनना, ऐसी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसी बहुत सारी स्पीसी हैं जिनको सिंगल लुईस डॉट स्ट्रक्चर से नहीं दिखाया जा सकता. तो उनको कैसे दिखाया जाता है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से दिखाया जाता है. समझ में आ गया? अब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होती है,
वहां पर क्या होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, देयर इज ओनली अ मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, एटम वहीं रहते हैं अपनी जगह पे, तो क्या चीज मूव होती है, मतलब न्यूक्लियाई वहीं रहता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है और वो भी सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट भी नहीं होती। मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूं, ध्यान से समझना। मैंने आप लोगों को याद है, मैंने आप लोगों को लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाया था O3 का। O3 क्या होता है बेटा, ओजोन, याद है? O3 का मैंने आप लोगों को लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाया था, ध्यान से समझना। अच्छा क्या था, अच्छा अब O3 में बेसिकली तीन ऑक्सीजन है, कैसे जोड़ोगे? O3 में तीन ऑक्सीजन में थे, एक में से एक ऑक्सीजन सेंटर पर होगा, एक ऑक्सीजन यहां पर है, पहले आपने यहां पर एक डबल बॉन्ड बना दिया। जैसी डबल बॉन्ड बनाया तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर इसके पास अब चार इलेक्ट्रॉन बचेंगे, दो इलेक्ट्रॉन उसने यहां पर यूज कर लिए, समझ में आ गया? इस भी ऑक्सीजन ने दो इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए, इसके पास भी चार इलेक्ट्रॉन है, आ गया समझ में? तो इसके पास भी चार इलेक्ट्रॉन है, एक दो तीन चार, समझ में आ गया? अभी तक तो ठीक है, दो ऑक्सीजन हो गए, इन दोनों ने आपस में दो बॉन्ड बना लिए और बेसिकली चार चार इलेक्ट्रॉन दोनों के पास पड़े। अब हमारे पास एक और ऑक्सीजन है, उस एक ऑक्सीजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? छह। इसको भी दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इनका तो ऑक्टेट पूरा है, इनका ऑक्टेट पूरा है, पर उसको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो बेसिकली यहां पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, समझ में आ गया? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, ये अपने को पता है। इन दैट केस ये हमारे भाई साहब क्या करेंगे, ध्यान से समझना, ये हमारे भाई साहब अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को हटाएंगे, हटा दिया, वो दोनों इलेक्ट्रॉन वो यहां शेयर करेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बेसिकली जो है इस बॉन्ड के अंदर, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बेसिकली वो इसी के ही है। शेयर करने के बाद क्या हुआ, इस पे आ गया प्लस का साइन, इस पे आ गया माइनस का साइन, क्यों? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दोनों दिए, इसने दोनों इलेक्ट्रॉन लिए, बेसिकली शेयर हुए बीच में। तो ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, ठीक है? पर मजे की बात, क्या हम इसको ऐसे ही बना सकते थे? क्या मैं इसको ऐसे नहीं बना सकता था? एक ऑक्सीजन पड़ा है, यहां पर सिंगल बॉन्ड है, यहां पर डबल बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन है, ये देखो आप लोग, क्या मैं इसको ऐसे नहीं बना सकता हूं? आप लोग मुझे बताइए कि क्या मैं इसको ऐसे नहीं बना सकता हूं, मुझे बताइए आप लोग, इज इट ट्रू, यस और नो, प्लीज टेल मी। देखो मैं जरूरी थोड़ी इसको ऐसे ही बनाऊं, मैं उसको वैसे भी बना सकता हूं, समझ में आ गया? आया समझ में भाई? अगर किसी स्टूडेंट को दिया होता तो कई स्टूडेंट इसको ऐसे बनाते, कई स्टूडेंट इसको ऐसे बनाते, और दोनों ही केस में एक दूसरे की मिरर इमेज है और कुछ है नहीं, आ गया समझ में? बट स्ट्रक्चर तो दो है ना, तो बेसिकली ओजोन को आप एक स्ट्रक्चर से नहीं, आप एक से ज्यादा स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर सकते हो। जो एक से ज्यादा स्ट्रक्चर आपको दिख रही है वहां पर हो क्या रहा है, आप ध्यान से देखो, देयर इज ओनली अ मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड नथिंग एल्स। हुआ क्या, यहां से वो स्ट्रक्चर कैसी बनी, जरा सोचो, यहां से वो स्ट्रक्चर कैसे बनी? इन दैट केस ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां मूव किए, समझ में आया, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन वापस इस पे भाग गए, तो आपके पास वो स्ट्रक्चर बन गई, यस और नो बताओ मुझे भाई? यहां से वहां जाना है तो तरीका क्या है? सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट और कुछ नहीं, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर आए, आ गया समझ में, और इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर शेयर कर दिए, तो बेसिकली अब यहां पे पाई बॉन्ड बन गया और यहां से पाई बॉन्ड हट गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? तो किस किस को समझ में आ गया कि कभी कभार हम लोग, अब ऐसा क्यों करना पड़ा उसका भी मैं रीजन बताता हूं आपको, ऐसा क्यों करना पड़ा, मेरी बात को ध्यान से समझना। पहले किस किस को समझ में आ गया कि हाँ ये तो बात सच है, कई बार ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर से दिखाया नहीं जा सकता, एक से ज्यादा बना सकते हो आप, समझ में आया? यू कैन मेक मोर लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर द सेम मॉलिक्यूल, और वो जो दूसरी स्ट्रक्चर्स है बेसिकली वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहलाती हैं, क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है। देयर इज अ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन एंड दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? रेजोनेंस का मतलब होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। डीलोकलाइजेशन, वाओ व्हाट अ वर्ड, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस। किस किस को समझ में आ गया? ये सबको समझ में आया, अमेजिंग कॉन्सेप्ट है। पर सवाल ये है कि यहां पर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? सवाल ये है कि रेजोनेंस कॉन्सेप्ट की जरूरत क्यों पड़ी? तो मैं आपको समझाता हूं, मेरी बात ध्यान से समझना। थोड़ी देर पहले आप लोग पढ़ के आए थे, ध्यान से समझना, आप बड़ा मजेदार चीज आने वाली है। थोड़ी देर पहले आप लोग समझ में आए थे, क्या समझ के आए थे? आपको पता है कि जो बॉन्ड की लेंथ होती है वो एंटी प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के, मतलब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा तो बॉन्ड लेंथ घटेगी। ये आप पढ़ के आए थे, यस और नो? अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगी, जानते हो कि नहीं जानते हो? कैसे पता लगा?
आपको ये मालूम होना चाहिए कि मान लो कि कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इसकी लेंथ ज्यादा होती है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, इसकी लेंथ कम हो जाएगी, और कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो लेंथ और भी कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, बॉन्ड लेंथ इज एंटी प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, एंटी प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, यस और नो, ये किस किस को पता है। अब आप लोग कहोगे कि इसका क्या लेना देना है, मैं आपको समझाता हूं इसका क्या लेना देना है, जरा समझो यहां पर, जरा ध्यान देना, आप इसको पकड़ लो चाहे उसको पकड़ लो, बात एक ही है। तो चलो मैं ना, ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ये पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और ये दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, किसकी, ओजोन की, ठीक है, ये पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ओजोन की। ध्यान से देखो इसको, बहुत ही आंखें खोल के देखना क्या लिखा है यहां पर। आपको यहां पर ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन क्या दिख रहा है, डबल बॉन्ड, यस, तो इसका मतलब यहां पर जो बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए उस बॉन्ड लेंथ को बोल देता हूं मैं L1, डबल बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ को L1 बोल देता हूं, ठीक है। यहां पर क्या दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड, तो यहां पर जो बॉन्ड लेंथ है बेसिकली उसको मैं क्या बोल देता हूं, L2। अब आप जो पढ़ के आए उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, L2 मस्ट बी ग्रेटर देन L1, यस और नो, हा या ना, जल्दी से बताओ। L2 की जो ये लेंथ है बेसिकली वो L1 से ज्यादा होनी चाहिए, L2 की लेंथ L1 से ज्यादा होनी चाहिए, यस और नो, थ्योरेटिकली ये सच है कि नहीं है, किस किस को समझ में आया, जल्दी से बताओ फटाफट से, जो पढ़ा रहा हूं उसको गौर से देखना। मैं कह रहा हूं कि ये डबल बॉन्ड है, इसकी लेंथ अपन मान लेते हैं बॉन्ड की लेंथ L1, ये सिंगल बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड की लेंथ मान लेते हैं L2। अब हमें पता है कि सिंगल बॉन्ड की लेंथ हमेशा डबल बॉन्ड की लेंथ से ज्यादा होती है, यस और नो, तो इसका मतलब क्या हो गया बेसिकली, L2 मस्ट बी ग्रेटर देन L1, ये थ्योरेटिकली है बट ये सच नहीं है, दैट्स नॉट ट्रू इन द केस ऑफ ओजोन, ओजोन के केस में ये सच नहीं है। मजे की बात, जब एक्सपेरिमेंट, ये थ्योरेटिकली चीज है, ये क्या है, ये थ्योरी से आई, समझ में आ गया, बट थ्योरी वाली चीज सही नहीं है। एक्चुअल में ये L1 लेंथ किसके बराबर होती है, L2 लेंथ के, L1 लेंथ L2 लेंथ के बराबर होती है। अब आप कहोगे कि ये कैसे हो गया, दोनों लेंथ बराबर कैसे हो गई, वो हुई रेजोनेंस की वजह से, मैं आपको समझाता हूं वो कैसे हुई, पर अभी मेरा सवाल समझो कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं भाई। ये जो कौन गाजी है बेटा, पहले पूरा टॉपिक समझो कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, समझ में आया ये। अभी तो अपन इसका डिस्कशन ही कर रहे हैं ना, जवाब मैं दूंगा, तुम्हें चिंता क्यों करते हो, पहले ध्यान से सुनो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं पहली बात तो, आप किसी भी, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जहां पर एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर से आप उसको क्या नहीं कर सकते, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है, आपको एक से ज्यादा लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनानी पड़ेंगी, जैसे कि ये दिख रही है, और ये एक्चुअली एक दूसरे के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाती है। दूसरा, यहां पर एक जगह डबल बॉन्ड दिख रहा है, एक जगह सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, हिसाब से तो डबल बॉन्ड की लेंथ कम होनी चाहिए, सिंगल बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होनी चाहिए, है ना, बट होता क्या है, एक्सपेरिमेंटली ये दोनों लेंथ बराबर आई। अब इसको प्रूव कैसे करोगे, ये दोनों लेंथ बराबर कैसे हो गई, प्रूव कैसे करोगे, प्रूव करोगे रेजोनेंस से, तो मैं आपको समझाता हूं कैसे, तो ध्यान से इसको समझना। अब टॉपिक यहां से शुरू होता है कि हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की जरूरत क्यों पड़ी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम लोग कई बार मॉलिक्यूल को लुईस, एक सिंगल लुईस डॉट स्ट्रक्चर से उसको कवर अप नहीं कर सकते, जैसे ओजोन को आप ऐसे भी दिखा सकते हो और ओजोन को आप ऐसे भी दिखा सकते हो, समझ में आ गया, अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से उसको बनाते, समझ में आ गया। बट यहां पर देखो, ये दोनों जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है इन्हीं को हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं, और एक दूसरे से कैसे पैदा हुई, जस्ट आपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को मूव किया और कुछ नहीं, व्हाट यू हैव डन, आप लोगों ने यहां पर सिर्फ और सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स को मूव किया और इसके अलावा कुछ नहीं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसने खींच लिए, तो देखो ये वाली स्ट्रक्चर बन गई, बनी कि नहीं बनी, इज इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो यहां पर डबल बॉन्ड दिख रहा है और यहां पर सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। अब बेसिकली इसकी लेंथ ज्यादा होनी चाहिए, इसकी लेंथ कम होनी चाहिए, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ऐसा होता नहीं है, एक्चुअल में लेंथ बराबर होती है, और उसको प्रूव कैसे करोगे, उसको प्रूव करोगे रेजोनेंस से, तो मैं आपको समझाता हूं उसका मतलब क्या है। एविडेंस फॉर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, हमें कैसे पता लगा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैलिड है, मैं आपको समझाता हूं, आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि जब डबल बॉन्ड होता है तो उसकी लेंथ होती है 121 पिकोमीटर, और सिंगल बॉन्ड होता है उसकी लेंथ होनी चाहिए 148 पिकोमीटर, सबको समझ में आ गया, ये एक्सपेक्टेड बॉन्ड लेंथ है, मतलब सोच रहे थे कि ये 121 पिकोमीटर होना चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जब भी होता है तो 121 पिकोमीटर की बॉन्ड लेंथ होती है, ये हमने कैलकुलेट करी है, ऐसा होना चाहिए, मतलब ये है कि उसकी लेंथ ज्यादा होनी चाहिए इसकी लेंथ से, लेकिन ये सही नहीं है। और एक्चुअली एक्सपेरिमेंट करके मालूम पड़ा कि जो दोनों बॉन्ड लेंथ है बेसिकली वो सेम है, और वो कितनी है,
128 इसकी और 128 उसकी। अब सवाल है कि ऐसा कैसे हो गया? ऐसा इसीलिए हो गया कि बेसिकली यहां पर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो लगातार मूव करते रहते हैं रेजोनेंस की वजह से, वो टिकते नहीं है एक जगह पे। तो लगातार मूवमेंट का मतलब क्या है, तो मैं आपको समझाता हूं। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं ये वाले, ये पाई इलेक्ट्रॉन लगातार यहां से वहां, वहां से यहां, यहां से वहां, वहां से यहां, मतलब दोनों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। समझ में आया? तो दोनों तरफ अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसका मतलब ये लेंथ भी अब क्या हो गई, बराबर हो गई। ये रेजोनेंस की वजह से ऐसा होता है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैं दोबारा समझाता हूं। हमारी एक्सपेक्टेशंस ये थी कि वह 148 होना चाहिए, ये 121 होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आप देखोगे कि दोनों ये लेंथ इक्वल होती है और वो होती है रेजोनेंस की वजह से। समझ में आया? और रेजोनेंस की वजह से ये पाई इलेक्ट्रॉन लगातार मूव करते रहते हैं, किसी एक जगह टिकते नहीं है। ये ना तो इसके हैं ना इसके हैं, ये लगातार मूव करते रहते हैं, दोनों के हैं। और लगातार मूव करने की वजह से यहां पर लेंथ जो है बेसिकली वो इक्वल हो जाती है। यहां से समझ में आता है कि वाकई में रेजोनेंस की जरूरत है, रेजोनेंस कॉन्सेप्ट की जरूरत है, अदरवाइज इनको समझाया ही नहीं जा सकता। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आ गया? सबको क्लियर है? चलो तो अब हम लोग आगे चलते हैं। तो जरा आप ध्यान से इसको समझना, बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन वन एंड टू। तो यहां पर अब हम लोग और आगे चलते हैं। बेसिकली दिखने में ऐसा लगता है कि यहां पर बॉन्ड ऑर्डर दो है और यहां पर एक है, बट ऐसा एक्सपेक्टेड है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में बॉन्ड ऑर्डर कितना है यहां पर, 1.5, और यहां पर भी कितना है, 1.5। ऐसा क्यों? क्योंकि एक पूरा बॉन्ड बना हुआ है और एक आधा बॉन्ड बना हुआ है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ओवरऑल इसको कैसे समझाया जाए, तो मैं आपको वो समझा देता हूं। अगर कोई कहे आपसे कि ओजोन की स्ट्रक्चर्स बनाओ, तो देखो ओजोन की स्ट्रक्चर्स कैसे कैसे बनाई जाएगी, ओजोन की स्ट्रक्चर्स बनाने का तरीका क्या है। कोई बच्चा ओजोन की स्ट्रक्चर ऐसे बनाएगा, यहां पर डबल बॉन्ड दे देगा, यहां पर सिंगल बॉन्ड दे देगा, ध्यान से समझना ठीक है, यहां पर प्लस का साइन दे देगा, यहां पर माइनस का साइन दे देगा, इस तरह से बना देगा कोई बच्चा ठीक है। कोई बच्चा इसको ऐसे बनाएगा, यहां पर सिंगल बॉन्ड दे देगा, यस, यहां पर माइनस का साइन लगाएगा, यहां प्लस का साइन, यहां पर डबल बॉन्ड दे देगा। Is this clear? कोई बच्चा ऐसे भी बना सकता है। सबको समझ में आ गया? Is this clear? अच्छा, अब इन दोनों का एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्योंकि किसी बच्चे ने ये बनाया, किसी बच्चे ने ये बनाया, तो इनका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना। हाइब्रिड का क्या मतलब? इन दोनों से, इन दोनों की जरूरतों को पूरा करता हुआ एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर, इन दोनों का मिक्सचर। मिक्सचर कैसे बनाओगे? सिंपल है, जरा ध्यान से देखो। ये एक ऑक्सीजन है, ये दूसरा ऑक्सीजन है, और ये तीसरा ऑक्सीजन है। एक एक सिंगल बॉन्ड तो दोनों में फिक्स है। समझ में आ गया? सिंगल सिंगल बॉन्ड तो दोनों में फिक्स है। इज दिस क्लियर? थोड़ा बॉन्ड में अच्छे से दिखा देता हूं, ध्यान से समझना भाई। यहां पर मैंने क्या कहा था कि रेजोनेंस के अंदर सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, रेजोनेंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो देखो यहां पर सिग्मा यानी कि सिंगल बॉन्ड तो उनके बीच में होगा, उनमें कोई चेंज नहीं है। इन दोनों ऑक्सीजन, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, ये तो एज इट इज है, वो चेंज नहीं होगा। तो फिर चेंज क्या होगा? सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। और वो मूवमेंट को आप कैसे दिखाते हो? ऐसे देखो, ये मूवमेंट दिखा रहे हो, ये पाई इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? ये मतलब ये कि ना ये यहां पर है ना ये यहां पर है, दोनों तरफ, और ये मूव कर रहे हैं। इसी को ही क्या बोलते हैं? हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं। समझ में आ गया? हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो बेसिकली इन दोनों के मिक्सचर से बनी है। अब एक और बात, अभी तक पूरी नहीं हुई हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्लस का साइन तो एज इट इज है, तो प्लस का साइन मैं यहां पर लगा देता हूं, प्लस का साइन तो मूव नहीं कर रहा। ध्यान से देखोगे तो प्लस का साइन यहां पर है, ये प्लस का साइन यहां पर है, दिखाई दे रहा है। मूव क्या कर रहा है? माइनस का साइन। कभी माइनस का साइन यहां है, कभी माइनस का साइन यहां पर है, तो उसको कैसे दिखाओगे? उसको डेल्टा से दिखाओगे। डेल्टा मतलब ये पार्शियल है, चेंज होते रहता है, कभी यहां पर, कभी यहां पर, कभी यहां पर, कभी यहां पर। समझ में आ गया? इस तरह से हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाई जाती है ओजोन की। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ यहां पर बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो दोनों तरफ आपको बॉन्ड ऑर्डर सेम ही दिखेगा, तो बॉन्ड लेंथ भी सेम ही दिखेगी आपको। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है ठीक है, तो इसका मतलब बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी? सेम। आ गया समझ में? तो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर कितना दिख रहा है? एक बॉन्ड तो पूरा है और एक बॉन्ड आधा है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 1.5। यहां पर भी कितना हो? 1.5। दिखाई दे रहा है जो ऐसा दिख रहा है, पर बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। बट ओवरऑल क्या दिख रहा है अभी आपको? एक बॉन्ड पूरा और एक बॉन्ड आधा दिख रहा है, पर बॉन्ड ऑर्डर यहां पर कैसे निकाला जाता है उसका मैं तरीका आपको बताऊंगा। बट हाल फिलहाल आपने सिर्फ दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाई है, उसके हिसाब से यहां पर आपको क्या दिख रहा है? दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के हिसाब से यहां पर बॉन्ड ऑर्डर 1.5 और यहां पर भी 1.5 दिखाई दे रहा है। सबको समझ में आ गया? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आया? एक पूरा एक आधा, तो इसलिए 1.5 और 1.5। बट अभी भी यहां पर एक चीज की छोटी सी कमी है जो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। बट ओवरऑल रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट क्या है? रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट है बेसिकली
जो चीज एक्सपेरिमेंटली आ रही है और जो चीज थ्योरेटिकली आ रही है, उन दोनों में डिफरेंस है. उसको पूरा करने के लिए वी हैव अ न्यू कॉन्सेप्ट एंड दैट इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट. और यहां पर आप लोग जब एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर्स बनाते हो तो इन दैट केस आपको एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनानी होती है जो कि उन दोनों को रेप्लीकेट करती है. That is called resonating structure. Is this clear to all of you? तो अभी तक आप लोगों ने क्या concept समझा? आपको समझ में आ गया? Resonance किस वजह से होता है? ये आप ध्यान रखना. Resonance delocalization of pi electrons. Pi electrons की movement की वजह से होता है. Pi electrons basically घूमते रहते हैं इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर. उसी वजह से ये हमारे पास क्या होता है? Resonance होता है. ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब रेजोनेंस को आप यहां पे भी समझ सकते हो. कैसे हो रहा है रेजोनेंस? जरा देखो, यहां से पाई इलेक्ट्रॉन मूव किए, इसने इलेक्ट्रॉन यहां पर दे दिए. ये मैंने आपको पहले दिखा दिया था. ओवरऑल ये स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाती है. तो देखो यहां पर इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है और यहां पर स्ट्रक्चर बनती हुई दिखाई दे रही है आप लोगों को. और ये मैंने आपको पहले भी करके दिखा दिया था. और ये उसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर है. मतलब हाइब्रिड स्ट्रक्चर में वो पाई इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली दोनों तरफ मूव करते रहते हैं. ध्यान से देखो इसको, वहां से वहां मूव किए, यहां से यहां मूव किए, ये स्ट्रक्चर बन गई. ओवरऑल फाइनल ये स्ट्रक्चर बनेगी. दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर, दिस इज द हाइब्रिड स्ट्रक्चर. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि कैसे होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन? सबको समझ में आ गया या दोबारा समझाऊं? बोलो. अब इससे रिलेटेड कोई सवाल है आपका, प्लीज टेल मी. इससे रिलेटेड कोई सवाल है, इसी को बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड. ये लास्ट में जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड. उसी को क्या बोलते हैं? Resonance hybrid. Is this clear to all of you? Finally, जो structure आपको दिखाई दे रही है that is called resonance hybrid. ये किस किस को समझ में आ गया? मैं तभी आगे चलूंगा. Resonance का मतलब किस किस को समझ में आ गया? एक बार फटाफट से चैट में लिख के बताओ कि हाँ सर मुझे समझ में आ गया. बेटा ये सुहानी, बेटा सुहानी एक बार लेक्चर को दोबारा देख लेना. बार बार रिपीट कराओगे तो दूसरों का भी समय खराब होता है. मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं, ध्यान से एक चीज को ध्यान से सुनो. ध्यान से सुनने के मतलब सिर्फ इतना है कि यहां पर ओजोन को अगर मैं तुम्हें बनाने को बोलूं तो आप ओजोन को एक से ज्यादा लुईस डॉट स्ट्रक्चर में बना सकते हो. समझ में आ गया? एक से ज्यादा लुईस डॉट स्ट्रक्चर में बना सकते हो. तो जो आपने एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स बनाई है बेसिकली वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहलाती हैं. समझ में आया? अब इसका कॉन्सेप्ट क्यों होता है? क्योंकि हमें दिखता है कि एक ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है और एक ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ऐसा दिखता है. बट एक्चुअली वहां पर बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है. उसको दिखाने का तरीका है रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर. समझ में आया? और जो कि फाइनली यहां पर बन रही है. समझ में आया? फजैन रूल आएगा बेटा. फजैन रूल से पहले थोड़ी बेसिक चीजें तो पढ़ लो, बस थोड़ी बेसिक चीजें पढ़ लो. चलो तो अभी ये रेजोनेंस सबको समझ में आ गया कि इसका मतलब क्या होता है. अमेजिंग. सो फाइनली एक और बात बताता हूं, जहां पर रेजोनेंस होता है वहां पर आप लोगों को स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है. जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी उस स्पीसी की स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी. अब बनाते कैसे मैं आपको सिखाऊंगा, पर यहां पर नोट करने की बात है कि रेजोनेंस बेसिकली क्या करता है? स्ट्रक्चर्स को ज्यादा स्टेबलाइज करता है. समझ में आया? उनको ज्यादा स्टेबलाइज करने का काम करता है. अब देखो, मैंने आपको बनाने को बोला, आपने तो एक ही स्ट्रक्चर बनाई, लेकिन एक स्ट्रक्चर से उसकी स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही है. इन दैट केस आपको उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनानी पड़ती है. ये एक सिंगल स्ट्रक्चर और ये उसकी जो स्टेबिलिटी के लिए जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो उसे बैलेंस प्रोवाइड करती है. फाइनली इस वजह से वो ज्यादा बैलेंस हो जाती है. जो आप सिंगल स्ट्रक्चर बनाते हो उससे स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं हो सकती है. बताओ ये पत्थर पे, ये जो तीखा पत्थर दिख रहा है उस पर, ये पत्थर लगाने के बाद अगर आप एक ही पत्थर रखोगे क्या वो स्टेबल होगा? नहीं. अगर साथ में मैं यहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनाऊंगा तो फाइनली क्या होगा, ये ज्यादा स्टेबलाइज करेगा उस पूरी की पूरी स्ट्रक्चर को. समझ में आ गया? सो ये जो कैनोनिकल या फिर ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं बेसिकली वो सिंगल स्ट्रक्चर को ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं. तो इसलिए कहते हैं यहां पर कि जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होगी स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी. समझ में आया? अब हम क्या करेंगे स्टेबिलिटी को समझने के लिए? तो इसका मतलब क्या हुआ, हायर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी. जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी. चलो अब मैं आप लोगों को बना के दिखाता हूं सम कॉमन एग्जांपल. जैसे कि कोई आपसे पूछ ले कि ये जो कार्बोनेट आयन दिखाई दे रहा है CO3-2, इसको बना के दिखाओ. तो देखो अगर मैं आपको बोलूं कि चलो आप कॉपी निकालो, कॉपी पेन निकालो अभी के अभी, आप खुद ही समझ जाओगे. आप बना के दिखाओ CO3-2 की स्ट्रक्चर्स, इसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ. तो आप जो बनाओगे ना वो मैं यहां पे बना के दिखाता हूं. हर बच्चा अलग अलग तरह से उसको ट्राई करेगा. समझ में आ गया? जब आप अलग अलग तरह से ट्राई कर रहे हो तो आप कितनी स्ट्रक्चर बना पा रहे हो जरा उसको चेक करो. बेसिकली आपको मालूम पड़ जाएगा कि
CO3 माइनस टू को एक सिंगल लुईस रॉड स्ट्रक्चर से आप ड्रॉप कर ही नहीं सकते हो, एक से ज्यादा बनानी पड़ेगी। कैसे, मैं आपको समझाता हूं बनाने का तरीका, जरा आप ध्यान से समझना। अच्छा चलो मैं आपको CO3 माइनस टू की स्ट्रक्चर्स बना के दिखाता हूं, जरा आप ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है। अब क्या है जरा आप ध्यान से देखिए, देखिए CO3 माइनस टू को कैसे बनाएंगे। इसमें आपको एक कार्बन दिखाई दे रहा है, इसमें आप लोगों को एक कार्बन दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है एक कार्बन और तीन तीन ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, एक कार्बन और तीन ऑक्सीजन और एक दो माइनस का साइन है। कैसे बनाओगे इसको, आई विल टेल यू उसको कैसे बनाओगे। सो उसको बनाने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक कार्बन लेना है, ध्यान से समझना उसको, ठीक है। अरे यार ये कैमरा क्या हो रहा है आज, तो हर जगह भी ऐसे लग रहा है जैसे क्लास कोई होने नहीं देना चाहता ऐसा लग रहा है। तो फाइनली फोकस कर पा रहा है, फोकस कर पा रहा है, फोकस करो मेरे भैया, बच्चों को दिखाई कैसे देगा। चलो तो फाइनली CO3 माइनस टू की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मैं आपको बना के दिखाता हूं, ठीक है, ध्यान से आप चेक करना। तो CO3 माइनस टू की स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, तो देखो सबसे पहले आप लोग कार्बन लो, ले लिया कार्बन, अब उसमें तीन ऑक्सीजन आपको लगाने और माइनस दो का साइन है। कैसे लगाओगे, एक कार्बन ने डबल बॉन्ड यहां पर बनाया एक ऑक्सीजन के साथ में, जैसे ही ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लेता है बेसिकली उसके पास क्या होंगे, ये बचा रह जाएगा, चार इलेक्ट्रॉन बचे रह जाएंगे, ठीक है। अब कार्बन को कितने बॉन्ड बनाने होते हैं, चार, जिसमें से दो बॉन्ड वो बना चुका है। अब एक बॉन्ड वो यहां पर इस ऑक्सीजन के साथ बना लेगा, अब इस ऑक्सीजन के पास क्या है, देखो यहां पर माइनस टू, इसका मतलब इस ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, समझ में आ गया। अब माइनस टू का मतलब क्या हो गया, बेसिकली इस पूरी स्पीसी के पास दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, और दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा किसको दोगे, इसी ऑक्सीजन को दोगे। मेरी बात ध्यान से समझना, CO3 माइनस टू लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है जो माइनस टू का साइन है उसका मतलब क्या है, इनके इस पूरी स्पीसी के पास दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा किसके पास होंगे, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो ये जो दो ऑक्सीजन दिख रहे हैं आप लोगों को, उनके पास ही ये तीन ऑक्सीजन है बेसिकली, उसमें से दो ऑक्सीजन के पास दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। उसको दिखाने का तरीका क्या होगा, इस ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो माइनस का साइन लगा दिया, इसके पास पहले से कितने इलेक्ट्रॉन थे, एक ऑक्सीजन के पास छह वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसमें से एक उसने यूज कर लिया तो बच गए पांच, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी तो उसके पास, तो वापस से कितने हो गए छह, तो यहां पर कितने दिखाओगे छह। ध्यान से समझना आप लोग, एक ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं छह, उसने एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में काम लगा दिया तो बच गए कितने पांच, समझ में आया। बट मैं कह रहा हूं कि माइनस का साइन है तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो फिर प्लस में वन और करोगे तो टोटल अब कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे उसके बाद छह, तो छह इलेक्ट्रॉन मैंने यहां दिखा दी और माइनस का साइन दिखा दिया। सेम चीज आपको एक सिंगल ऑक्सीजन के साथ और करनी है, यहां पर भी इसके साथ छह इलेक्ट्रॉन दिखाओगे, देखो जरा ध्यान से, और माइनस का साइन लगाओगे। मैंने आपको बहुत बार बताया, जिस बच्चे को अच्छे से याद होगा, ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए या तो डबल बॉन्ड बनाता है या फिर वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके सिंगल बॉन्ड बनाता है, इन दोनों ही केसेस में उसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है तो भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड बना के एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले रहा है उससे भी उसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है। तो ओवरऑल जरा आप चेक करो, यहां पर अगर आप ध्यान से चेक करोगे तो ये इसका फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जो काफी बच्चे बनाते, यस और नो, ये इसका फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जो काफी बच्चे बनाते। अब कई बच्चे तो ऐसा बनाते, कई बच्चे ऐसा भी तो बना सकते हैं कि यहां पर सेंटर में कार्बन रखा, यहां पर सिंगल बॉन्ड दिखाया, माइनस का साइन दिखाया, ये जरा चेक करो ओवरऑल, यहां पर डबल बॉन्ड दिखा दूं, समझ में आ रहा है, डबल बॉन्ड यहां दिखा रहा हूं, यहां पर सिंगल बॉन्ड दिखा के माइनस का साइन लगा के यहां पर मैं आपको ऐसे करके छह इलेक्ट्रॉन दिखा दूं। ये सब प्रैक्टिस का खेल है, एक कई बच्चे ऐसा भी बना सकते हैं, कई बच्चे ऐसा भी बना सकते हैं, मतलब देखो अभी एक के बाद ये दूसरी स्ट्रक्चर बन गई। कई बच्चे ऐसा भी तो बना सकते हैं, कार्बन को बीच में रखा, यहां पर सिंगल बॉन्ड दिखाया, यहां पर ऑक्सीजन दिखाया, छह इलेक्ट्रॉन दिखा दिए यहां पर, समझ में आ गया, और यहां पर भी एक सिंगल ऑक्सीजन दिखाया, माइनस का साइन दिखाया, छह इलेक्ट्रॉन दिखा दिए यहां पर, और ये डबल बॉन्ड दिखा दिया इस तरह से, देखो जरा चेक करो, ठीक है, यस और नो, यस। तो आप ऐसा भी दिखा सकते हो, तो टोटल मैंने तीन स्ट्रक्चर बना डाली, ये एक, ये दो, ये तीन। कई बच्चे ऐसा बनाते, कई बच्चे ऐसा बनाते, और कई बच्चे ऐसा बनाते, दिस इज योर थर्ड स्ट्रक्चर, ये आपकी तीसरी स्ट्रक्चर है। किस किस को समझ में आया, पहले में यहां डबल बॉन्ड था, फिर यहां डबल बॉन्ड है, अब यहां डबल बॉन्ड है, तो तीन स्ट्रक्चर बन गई ना। ओवरऑल मैं बोलूं कि चलो इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, तो इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर आप कैसे बनाओगे, जरा आप ध्यान से चेक करो, इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर मैं नीचे बना के दिखाता हूं, नीचे कैसे बनाओगे। इन दैट केस आपको सबसे पहले क्या लेना है हाइब्रिड स्ट्रक्चर में, कार्बन, उसके साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड से क्या जोड़ने, ऑक्सीजन। जरा आप चेक करो, मैंने आपसे पहले कहा था कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कहीं भी आपको एटम को नहीं हिलाना, एटम वहीं रहेगा, उसके सिंगल बॉन्ड वहीं रहेंगे, तो क्या चीज वेरी करेगी, पाई इलेक्ट्रॉन्स वेरी करेंगे। देखो पहले पाई इलेक्ट्रॉन्स कहां थे, यहां,
दिखाई दे रहा है, फिर पाई इलेक्ट्रॉन कहां पर आ गए, यहां, फिर पाई इलेक्ट्रॉन कहां पर आ गए, यहां, दिखाई दे रहा है, तो वो वैरी कर रहे हैं। कैसे वैरी कर रहे हैं, पहले पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पर घूमते रहे, फिर यहां पर घूमते रहे, फिर यहां पर घूमते रहे, घूमते रहे, आ गया समझ में, इज इट क्लियर, है ना। अब माइनस का साइन कहां कहां घूम रहा है, पहले माइनस का साइन था यहां और यहां, दिखाई दे रहा है, फिर बदल के कहां हो गया, यहां और यहां, फिर बदल के कहां हो गया, यहां और यहां, इसका मतलब पाई भी माइनस का साइन भी बार बार घूम रहा है, तो क्या करोगे, माइनस डेल्टा, क्योंकि माइनस का साइन तीनों ऑक्सीजन पे घूम रहा है, ये इसकी क्या हो गई, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई। सबको समझ में आया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनानी है, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, जल्दी से बताओ किस किस को समझ में आ गया कि हां सर, CO3 माइनस टू किस किस को समझ में आ गया कि ऐसे बनाते हैं, सबको समझ में आ गया या दोबारा समझाऊं, यप, तो फाइनली ये उसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक बार और समझ लो, लास्ट एक बार और समझा रहा हूं, अगर किसी को CO3 माइनस टू बनाना है तो उसका तरीका क्या होगा, इफ यू वॉन्ट टू मेक CO3 माइनस टू अगेन तो उसका तरीका क्या है, जरा आप चेक करो उसका तरीका क्या है, अगर आप लोगों को CO3 माइनस टू बनाना है तो उसका तरीका क्या है, फिर से एक बार लास्ट बार चेक कर लो, अगर आप लोगों को कोई बोल दे कि भैया CO3 माइनस टू का स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, क्या बोले, CO3 माइनस टू का स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के दिखाओ, तो आप पहले गौर करो आपके पास दिया क्या हुआ है, एक कार्बन है, तीन ऑक्सीजन है और उस पर माइनस का दो साइन है, ये माइनस के दो का मतलब उनके पास दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसके पास होंगे, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, यहां पर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है क्या ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की, तो इसका मतलब यहां पर दो ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, अगर किसी ऑक्सीजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो उसका मतलब उसको एक ही बॉन्ड बनाना है, क्योंकि उसको टोटल एक ऑक्सीजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, छह, अगर उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो अब उसे सिर्फ एक बॉन्ड बनाना है, टोटल अभी सात पे पहुंच चुका है, अब एक और बॉन्ड बना लेगा तो आठ हो जाएंगे, तो अब सिंपल सा तरीका है, उसको करने का तरीका क्या है, कार्बन को सेंटर में रखो, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से बना दो, समझ में आ गया, अब एक ऑक्सीजन तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके बैठी हुई है तो उसको एक ही बॉन्ड बनाना है, ये वाली ऑक्सीजन भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके बैठी हुई है तो एक ही बॉन्ड बनाना है, अब यहां पर बाकी इलेक्ट्रॉन्स को दिखा दो, ये लो, यहां पर बाकी इलेक्ट्रॉन्स को दिखा दो, ये देखो, ये सारा प्रैक्टिस का खेल है और कुछ नहीं है। अब आप गौर से देखो, हर एक ऑक्सीजन का, यहां पर हर एक एटम का ऑक्टेट पूरा है, अगर आप इस कार्बन को देखोगे तो उसने चार बॉन्ड बना लिए, आठ इलेक्ट्रॉन है, आप किसी को भी इस ऑक्सीजन को चेक करो कितने इलेक्ट्रॉन है उसके पास, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, है कि नहीं है, इस ऑक्सीजन को चेक करो, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, है कि नहीं है। अब ये आप क्या करो, जरूरी थोड़ी है कि यहां पर ही डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड यहां पे भी हो सकता है और यहां सिंगल बॉन्ड हो सकता है, समझ में आ गया। तो ओवरऑल कैसे बनाओगे, हाइब्रिड स्ट्रक्चर पे चलते हैं, अब आपकी मर्जी है, यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे डबल बॉन्ड आप यहां पर लगाते और यहां सिंगल सिंगल बॉन्ड लगाया, जरूरी नहीं है कि यहां पर डबल बॉन्ड लगा दो यहां सिंगल बॉन्ड लगा दो, यहां डबल बॉन्ड लगा दो यहां सिंगल बॉन्ड लगा दो, तो टोटल तीन स्ट्रक्चर आप बनाओगे, तो फाइनली हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसी होगी, एक कार्बन उसके साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड में आपने ऑक्सीजन दिखाया, सबको समझ में आ गया। अब यहां पर बाकी सीन क्या है, जरा आप उसको चेक करो, आपके पाई इलेक्ट्रॉन बार बार मूव कर रहे हैं, तो आप कैसे दिखाओगे, आप इस तरह से दिखाओगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ये देखो आया समझ में, और ये पाई इलेक्ट्रॉन हर जगह मूव कर रहे हैं, यहां पर भी दिखाई दे रहा है सब लोगों को, और माइनस का साइन भी मूव कर रहा है, तो इसलिए माइनस का साइन में माइनस डेल्टा आप हर ऑक्सीजन पे दिखाओगे। ये है इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर, अभी तो समझ में आ गया कि अभी भी कुछ बाकी है, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, जल्दी से बताओ मुझे किस किस को समझ में आ गया। तो ये कहलाता है आपका रेजोनेंस, अगर कोई पूछे कि CO3 माइनस टू की स्ट्रक्चर बनाओ तो उसकी तीन स्ट्रक्चर बनेंगी टोटल, आप डबल बॉन्ड यहां भी बना सकते हो, डबल बॉन्ड आप यहां पे भी बना सकते हो, डबल बॉन्ड आप यहां पे भी बना सकते हो, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। सबको समझ में आ गया, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सबको समझ में आया, जहां डबल बॉन्ड बने वहां पर ऑक्सीजन पे माइनस का साइन नहीं होगा, वो गलती से लग गया। देखो यहां पर, वहां पर डबल बॉन्ड है, आप डबल बॉन्ड यहां बना सकते हो, ये सिंगल सिंगल बॉन्ड है, आप डबल बॉन्ड यहां बना सकते हो, ये सिंगल सिंगल बॉन्ड है, आप डबल बॉन्ड यहां बना सकते हो, ये माइनस का साइन नहीं आएगा, वो गलती से लग गया, और ये दो इलेक्ट्रॉन भी नहीं आएंगे, ठीक है, ये मैं हटा देता हूं, वो गलती से लग गया, ठीक है, बस बाकी जगह पे सिंगल सिंगल बॉन्ड है, और ये उसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। जरा आप देखो, यहां पर माइनस का साइन हर जगह घूम रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हर जगह घूम रहे हैं, इसी को ही रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं, इज दिस क्लियर, इसी को ही रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये आपके एग्जाम्पल हो गए। अच्छा, इसी तरह से मान लो CO2 की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी, कैसे बनाओगे,
अगर CO2 की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनानी है तो हाउ यू कैन मेक इट, आप इसको कैसे बना सकते हो? तो आपको सबको पता है कि CO2 की जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होती है उसमें एक कार्बन है, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन है यहां पर, और डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन है यहां पर, और यहां पर इसके पास क्या होते हैं, चार इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी होते हैं चार इलेक्ट्रॉन। अब होगा क्या जरा आप चेक करो, ऐसा हो सकता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन खींच ले, समझ में आ गया, इस केस में ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर डोनेट कर दे। अगर ऐसा हो गया तो क्या एक स्ट्रक्चर बन जाएगी, ऑक्सीजन टू यहां पर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और यहां पर सिंगल बॉन्ड, इसने दिया इस पे प्लस का साइन, इसने लिया इस पे माइनस का साइन, यस और नो, समझ में आया? और यहां पर दो इलेक्ट्रॉन बचेंगे इसके पास। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर इसने यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, इसने खींच लिए, तो ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा। उल्टा भी तो हो सकता है, उल्टा मतलब इसने दोनों इलेक्ट्रॉन खींचे और इसने दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो फिर ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। कौन सा वाला? ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड कार्बन छह इलेक्ट्रॉन माइनस का साइन, यहां पर तीन बॉन्ड ऑक्सीजन प्लस का साइन और दो इलेक्ट्रॉन। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये CO2 का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो बेसिकली CO2 भी क्या दिखा सकता है, रेजोनेंस दिखा सकता है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये CO2 की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो जरा ध्यान से इसको चेक करो, अगर आपको देखना है तो ये CO2 का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। जरा आप देखो, यहां पर किसी भी तरह से इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो सकती है, ये स्ट्रक्चर भी बन सकता है और ये स्ट्रक्चर भी बन सकता है, ये CO2 के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। चलो एप्लीकेशन चलते हैं, रेजोनेंस की एप्लीकेशन क्या है? तो आई विल टेल यू द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ रेजोनेंस। सबसे पहले तो एप्लीकेशन पार्ट ऑफ रेजोनेंस में आप बॉन्ड ऑर्डर डिटरमाइन कर सकते हो कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल की एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब उसके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं कहीं ना कहीं, समझ में आ गया? तो आप उस केस में दो आइटम के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे? तो मैं सिंपल फॉर्मूला बताता हूं उसका क्या करना होता है। इफ यू वांट, जरा चेक करो, तो बेसिकली आपको क्या करना होता है, सबसे पहले तो बॉन्ड ऑर्डर भी आप कैलकुलेट कर सकते हो और चार्ज भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। तो सबसे पहले तो यहां पर आप लोग चार्ज की बात करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर नहीं, चार्ज, सबसे पहले चार्ज की बात कर लेते हैं। तो अगर आपको एवरेज चार्ज निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ चार्जेस ऑन ईच एटम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये मैं आपको अभी प्रूव करके दिखाऊंगा क्वेश्चन के थ्रू। तो अगर आप लोगों को एक से ज्यादा, अगर आप लोगों को एक से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे दी जाए और अगर आपसे पूछा जाए कि एवरेज चार्ज कितना है, तो आपको टोटल ईच एटम पे चार्ज कैलकुलेट करना है और उसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से डिवाइड कर देना है। समझ में आ गया? Is this clear? जैसे example के तौर पे नीचे example दिया है, जरा आप ध्यान से इसको चेक करो। आपने अभी आपने कार्बोनेट आयन की structures बनाई थी, आप जरा चेक करना, ये कार्बोनेट आयन की तीन structure बनाई थी, एक ये और एक ये, yes? अब आप देखो total negative charge कितना है, हमेशा minus का दो ही था, यहां पर भी minus का दो है, यहां पर भी minus का दो है, यहां पर भी minus का दो है। अब आपसे पूछा average charge बताओ, average charge कैसे निकालोगे, टोटल चार्ज कितना है, माइनस का दो, टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी है, तीन से डिवाइड कर दो, खत्म कहानी, क्योंकि तीन ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई है। तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 0.67 हर एक एटम पे चार्ज है। सबको समझ में आ गया, माइनस का 0.67 हर एक एटम पे चार्ज है क्योंकि तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां पर बनी है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? माइनस का 0.67 इज द चार्ज ऑन हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ एवरी ऑक्सीजन। समझ में आया, क्लियर है सब लोगों को? सबको समझ में आया कि नहीं? सर वाई यू विल नॉट टीच जे एडवांस? बेटा जे एडवांस मंगल ग्रह पे तो है नहीं, सब यहीं से आती है। तो आप एवरेज चार्ज भी कैलकुलेट कर सकते हो, आपको टोटल चार्ज देखना है। तो फाइनली टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, दैट इज माइनस का टू डिवाइडेड बाई टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनाई है, तीन। तो यहां पर आंसर कितना आएगा, माइनस का 0.67। अब इसकी मतलब भी मैं आपको समझा देता हूं, इसका मतलब क्या है। मान लो किसी को इसका मतलब समझना है कि माइनस का 0.67 का मतलब क्या है, आई विल टेल यू, चिंता मत करो, उसका मैं मतलब आपको समझाता हूं। मेरा उसका मतलब सिर्फ इतना है, मैंने आपसे कहा, जरा आप ध्यान से समझना, मैं आपसे कहूं कि CO3-2 की हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाओ, तो कैसे बनाओगे, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है सिंगल बॉन्ड से, ये ऑक्सीजन है सिंगल बॉन्ड से, ये ऑक्सीजन है सिंगल बॉन्ड से, हाइब्रिड स्ट्रक्चर ध्यान से समझना। और यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली यहां पर यू मूव कर रहे हैं, यहां से यहां, यहां से यहां, दिखाई दे रहा है सब लोगों को। अब मैंने आपसे कहा कि आपके जो नेगेटिव चार्ज है वो तीनों ऑक्सीजन पे मूव करता है, तो ऑन एन एवरेज नेगेटिव चार्ज कितना है, ऑन एन एवरेज नेगेटिव चार्ज है इसमें माइनस का 0.67, ये मतलब है इस पे नेगेटिव चार्ज कितना है, माइनस का 0.67, क्योंकि वो बेसिकली नेगेटिव चार्ज घूमते जा रहा है, तीनों ऑक्सीजन पे घूमता है, माइनस का 0.67। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, That is what I am saying. अगर आपने गौर किया हो, मैंने आपकी resonating structures यूं बनाई थी, अगर आपको पता हो तो। ये ध्यान से देखो, इस पे partial negative sign था,
इस पे पार्शियल नेगेटिव साइन था, इस पे पार्शियल नेगेटिव साइन था, क्यों? क्योंकि यहां पर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है बेसिकली वो यू मूव कर रहे थे, दिखाई दे रहा है? अब ये पार्शियल नेगेटिव साइन की वैल्यू कितनी होगी, ये एवरेज नेगेटिव चार्ज होगा कितना, वो होगा ये 0.67। इज दिस क्लियर? सबको समझ में आया? दूसरा सवाल वो यहां से ये भी पूछ सकता है आपसे, सेकंड क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, एवरेज, यहां पर भाई साहब ने एवरेज चार्ज लिख दिया है, तो अब पहले एवरेज चार्ज आप लोग निकाल चुके हो, अब आपको बॉन्ड ऑर्डर, आप यहां से बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल सकते हो, मेरा मतलब समझना, उसका निकालने का तरीका क्या है मैं आपको समझाता हूं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से आप बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो जरा आप चेक करना, दिस इज द फॉर्मूला। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या है? टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द एटम डिवाइड बाय द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या मतलब है इसका? ये लो नीचे एग्जांपल दिया हुआ है। मैं आपसे सवाल पूछूं कि बताओ यहां पर कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तो आप लोग कहोगे सर यहां तो दो है, यहां एक है, यहां एक है, ऐसे ही बोलोगे, फिर बोलोगे यहां पर एक है, यहां दो है, यहां एक है, फिर बोलोगे यहां पर दो है, यहां पर एक है, यहां पर एक है, लेकिन ये करेक्ट तो नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ये कहती हैं, अगर हाइब्रिड स्ट्रक्चर को ध्यान से देखोगे तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या कहती है, ये कार्बन है, ये तीन ऑक्सीजन है, समझ में आ गया इस तरह से, और यहां पर बेसिकली पाई इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली यहां पर मूव करते हैं, यस पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, इसका मतलब यहां पर बॉन्ड ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो कितना बॉन्ड ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो कितना है, आई विल टेल यू। पहले तो आप ये सोचो कि यहां पर कार्बन ने बॉन्ड बनाए कितने हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो कार्बन ने बॉन्ड कितने बनाए हैं, लिखा ना टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द एटम, कार्बन ने बॉन्ड कितने बनाए, एक दो तीन चार, चार बॉन्ड बनाए हैं, उसमें टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी है, तीन, तो 4/3 आंसर आएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट इट, ये 4/3 बॉन्ड ऑर्डर कितना है यहां पर, 4/3, यहां पर भी कितना है, 4/3, यहां पर भी कितना है, 4/3, ये मतलब निकलता है ओवरऑल। किस किस को समझ में आ गया? तो ओवरऑल यहां पर बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 4/3 यानी कि 1.33। मैं इसका ओवरऑल आपको मीनिंग समझा देता हूं, अगर आप लोगों को ओवरऑल मीनिंग समझना है इसका तो मेरी बात को अब एक बार लास्ट ध्यान से सुन लेना, आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा इसका मतलब क्या है। रेजोनेंस आपके लिए बहुत सारे रास्ते खोलता है, मैं आपको समझाता हूं कैसे, मैं वो प्रॉपरली आपको समझा देता हूं। जब हमने एक्सपेरिमेंटली स्टडी की तो पता लगा कि CO3-2 यानी कि कार्बोनेट आयन जो होता है उसमें कार्बन टू ऑक्सीजन, ध्यान से समझना, ये कार्बन टू ऑक्सीजन जो बॉन्ड लेंथ है बेसिकली, जो बॉन्ड सॉरी बॉन्ड ऑर्डर है बेसिकली, वो कितना आ रहा था, 4/3 यानी कि 1.33 ही आ रहा था। समझो, यहां पर मैं आपको दोबारा समझाता हूं, यहां पर जो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा था वो आ रहा था 1.33, ये बॉन्ड ऑर्डर था यानी कि 4/3, और इनके ऊपर हर किसी ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना आ रहा था, दैट इज माइनस का 0.67, हर किसी ऑक्सीजन पे चार्ज कितना आ रहा था, माइनस का 0.67 ये चार्ज आ रहा था, माइनस का 0.67 ये चार्ज आ रहा था, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ये मतलब है। और यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूम रहे थे, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे थे, ये उसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर है प्रॉपर। सबका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 4/3, इसका बॉन्ड ऑर्डर है 4/3, इसका बॉन्ड ऑर्डर है 4/3, इसका बॉन्ड ऑर्डर है, और सब पे चार्ज कितना है, 0.67 0.67 0.67। अब ये कैसे आया, इफ यू वांट टू कैलकुलेट चार्ज ऑन ईच एटम, टोटल चार्ज कितना था, माइनस का 2, आप देखो ना CO3 पे कितना टोटल चार्ज है, माइनस का 2, और टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी निकाली आपने, 3, तो ऊपर तो चार्ज दिया हुआ है, नीचे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दी हुई है, इस तरह से माइनस का 2/3 किसके बराबर आ गया, माइनस का 0.67, ये इस तरह से चार्ज आया। अगर कोई पूछे कि बॉन्ड ऑर्डर निकाल के बताओ, तो कार्बन ने एक्चुअली ऑक्सीजन के साथ एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड कितने बनाए, 4, टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी है, 3, तो यहां पर आंसर कितना आ गया, 1.33, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर। सबको समझ में आया किस तरह से आंसर निकालते हैं, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, जल्दी से बताओ, सबको समझ में आ गया, हाँ बेटा सब कुछ होगा, पहले आप ये बताओ कि किस किस को समझ में आ गया कि आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू, नीचे क्या लिखा हुआ है, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ऊपर यहां पर चार्ज लिखा हुआ है, यहां पर 4 का मतलब है बेसिकली बॉन्ड ऑर्डर केस में, 4 का मतलब है कि कार्बन ने टोटल बॉन्ड कितने बनाए हैं, तो किस किस को समझ में आ गया, अभी क्रिस्टल क्लियर है ना बेटा, समझ आ गया, ये मतलब निकलता है उसका। तो ओवरऑल अगर आप हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऑक्सीजन पे माइनस का 0.67, यहां पर भी माइनस का 0.67 और ऊपर भी माइनस का 0.67 चार्ज दिखेगा। बॉन्ड ऑर्डर इसका 4/3 होता है, इसका भी 4/3 होता है, इसका भी 4/3 होता है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अगला जो टॉपिक है वो है पोलैरिटी इन बॉन्ड्स, तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए समझा देता हूं,
जो होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं उनमें पोलैरिटी नहीं होती। होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल? जैसे कि H2, जैसे कि O2, जैसे कि N2, इनमें कोई पोलैरिटी नहीं होती। अगर हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन देखोगे देयर इज नो पोलैरिटी, ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन देखोगे देयर इज नो पोलैरिटी। क्यों? क्योंकि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, कोई भी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींच सकता। इसका मतलब इस पे चार्ज कितना है? जीरो। इस पे भी चार्ज कितना है? जीरो। इस पे चार्ज कितना है? जीरो। इस पे चार्ज कितना है? जीरो। तो होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल पे कभी भी चार्ज नहीं होता, उनका डायपोल मोमेंट जीरो होता है, पोलैरिटी जीरो होती है। जैसे कि हाइड्रोजन, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन पे कोई चार्ज नहीं होता। ये नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं, दीज आर कॉल्ड नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल। तो सवाल यह कि चार्ज आता कब है? चार्ज आता है जब आपके पास क्या हो, दो एटम जो आपस में बॉन्ड बना रहे हैं उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो। समझो, जैसे कि हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में आपको ज्यादातर कैसा दिखाएगा? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में आपको पोलैरिटी दिखाई देगी, जैसे कि HCl, HF, ये ऐसे एग्जांपल है जहां पर आपको क्या दिखाई देगा? HCl, HF, दीज आर दी एग्जांपल जहां पर आप लोगों को क्या दिखाई देंगे? पोलैरिटी दिखाई देगी। ऐसा क्यों हो रहा है? आप खुद ही सोचो कि ऐसे क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है। अगर आप यहां पर HCl के बीच में बॉन्ड बनाते हो तो आपको पता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा है। इस केस में यहां पर पार्शियल नेगेटिव साइन आएगा तो यहां पर पार्शियल पॉजिटिव साइन आएगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये मतलब निकलता है इसका। तो यहां पर जब भी हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं तो उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, और जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है तो वहां पर पोलैरिटी जनरेट होती है। समझ में आ गया? अब ये मतलब निकलता है, तो मतलब वहां पर पोलैरिटी जनरेट होगी। जैसे हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव साइन आएगा और फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव साइन आएगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आया? सो ये पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दे आर नॉट कंप्लीटली आयनिक, ये याद रखना। ये कोवेलेंट ही है बट पोलर है। समझ में आ गया? इन पे पोलैरिटी, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज इस पे जनरेट हो रहा है। अब ये जो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इसको दिखाने के लिए कोई ना कोई तो आइडेंटिटी होनी चाहिए, तो उसको हम लोग दिखाते हैं डाइपोल मूवमेंट से। कैसे दिखाते हैं? डाइपोल मूवमेंट से दिखाते हैं। जब भी दो मॉलिक्यूल के बीच में, दो एटम के बीच में जब भी चार्ज डेवलप होता है तो उसको हम लोग किससे दिखाते हैं? उसको हम लोग डाइपोल मूवमेंट से दिखाते हैं। पोलैरिटी की वजह से ही डाइपोल मूवमेंट शो होता है, और डाइपोल मूवमेंट को लिखा जाता है म्यू इक्वल्स टू चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। ये आपके पास चार्ज है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल नेगेटिव है। इन दोनों का चार्ज, मतलब कॉमन चार्ज क्या है और उन दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस क्या है, इसी के मल्टीप्लिकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। सबको समझ में आ गया? अब मजे की बात पर आ जाओ। इसकी यूनिट होती है डाइपोल मूवमेंट की देबाय, डी से लिखते हैं, और 1D, सॉरी पीछे जाना पड़ेगा, रुको। 1D किसके बराबर होता है, जरा आप इसको चेक कर लो। 1D is equals to, जरा आप चेक करो, 1 day by is equals to 3.33 × 10⁻³⁻³⁰ सेंटीमीटर। दिखाई दे रहा है? नहीं, ये सेंटीमीटर नहीं है, ये कूलम मीटर है। सेंटीमीटर नहीं है, वहां कूलम मीटर क्यों आया? क्योंकि ये चार्ज है, दिखाई दे रहा है? चार्ज को कूलम से लिखते हैं और रेडियस को अपन ने मीटर से लिख दिया। तो 1 day by के अंदर कूलम मीटर कितने होते हैं? 3.33 × 10⁻³⁻³० कूलम मीटर होते हैं। ये डेटा भी आपको याद रखना है। समझ में आ गया? अमेजिंग। चलिए, अब डाइपोल मूवमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? डाइपोल मूवमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका इट्स वेरी सिंपल। आपको सिर्फ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाना है। डायरेक्शन कैसी होती है डाइपोल मूवमेंट भी? यू हैव टू गो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहां से आप एरो कैसे बनाते हो? एरो कैसे तो बनाया जाता है, तो ये दिखा रहा है ना साफ साफ कि पॉजिटिव से निकल के कहां जा रहा है? नेगेटिव की तरफ। समझ में आ गया? तो जब भी आपको डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन दिखानी है, यू हैव टू गो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। जैसे कि यहां पर डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? हाइड्रोजन से फ्लोरीन की तरफ होगी। सबको समझ में आ गया? अमेजिंग। चलिए, अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्या हमारे पास, जरा आप चेक करो। फाइनली इन डायपोल, ध्यान से समझना, एक तो ये ब्लरी बहुत हो रहा है आज मैं वास्तव में ना पूरे अच्छे तरीके से परेशान हो गया हूं। एक तो बार बार नेट खराब, दूसरा स्लाइड बार बार ब्लर हो रही है, फिर कभी साउंड नहीं आ रही, और मैं आप लोगों से बात भी नहीं कर पा रहा हूँ। जब ऐसे बहुत सारी ऐसे होचपोच हो जाती है ना, तो मन भी खट्टा हो जाता है कि क्या चल रहा है ये, है ना। तो एक बार आप लोग बताओ कि एक मिनट चलो मैं बच्चों से बात ही कर लेता हूँ, ब्लर नहीं है अभी तो, मैं ठीक ही दिख रहा हूँ। इज इट फाइन? एवरीथिंग इज फाइन बेटा? एनी टेल टाइम लाइव क्लास? शाम को 7 बजे के बाद लाइव क्लास ही होती है।
सर टीवी देख रहे हो क्या? मैं आप, हाँ आपके चार्ट्स देख रहा हूँ। अभी आप जिंदा हो क्या? सब लोग, आज का दिन थोड़ा खराब है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, बोर हो रहा हूँ। बट मैं क्या है, मतलब इतना बढ़िया टॉपिक था लेकिन उसको पढ़ाने में 10 तरह की प्रॉब्लम आ गई, कभी ये कभी वो कभी वो कभी ये, है ना, ऐसे करके लगता है ऐसे डांस कर रहा हूँ मैं यूं करके। तो फाइनली पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ईच डाइपोल मोमेंट एड्स अप टू द रिजल्टेंट डाइपोल, नेट डाइपोल मोमेंट। क्या मतलब है इसका सारा समझो, पीछे लिखा हुआ है। जब आपके पास पॉलीएटॉमिक का मतलब है जब आपके पास एक सेंट्रल एटम और उसके साथ एक से ज्यादा एटम जुड़े हुए हैं, तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल बनेगा। तो उसमें जो नेट डाइपोल मूवमेंट निकलता है ना, वो रिजल्टेंट होता है। जैसे कि एग्जांपल H2O का देता हूं, कैसे समझो, एग्जांपल को ध्यान से समझो। यहां पर अगर H2O को मैं बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा, जरा आप चेक करो, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, समझ में आ गया? अब डाइपोल मूवमेंट को कैसे दिखाओगे? अच्छा, ये इसके पास दो लोन पेयर भी होते हैं, ये तो यहां पर डाइपोल मूवमेंट कैसे दिखाओगे? इस बॉन्ड की वजह से जो डाइपोल मूवमेंट है वो कहां से कहां है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ। इसमें कहां है? इससे इसकी तरफ। तो आपको क्या करना है, ये जो आपको वेक्टर दिखाई दे रहे हैं, वेक्टर समेशन करना है इसका, इन दोनों का जो एडिशन दिखाना है आपको, इसका डायरेक्शन ये, इसका डायरेक्शन ये है, तो रिजल्टेंट कहां होगा? ये, दैट इज द रिजल्टेंट। आपको रिजल्टेंट निकालना होता है, समझ में आ गया? बेसिकली यहां पर एक और चीज है, एटम से लोन पेयर की तरफ भी डायपोल मूवमेंट होता है, ये भी समझने की जरूरत है। ये ऐसे स्कैटर हो रहा है, बट ओवरऑल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर हो क्या रहा है। हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ और इस हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ ये दोनों एड अप हो रहे हैं, तो रिजल्टेंट इसका ये है, समझ में आ गया? सो दैट इज द रिजल्टेंट। क्लियर हो गया इन दोनों का? और ये वेक्टर की तरह आपको इसको ट्रीट करना है। ओवरऑल मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हाइड्रोजन से ऑक्सीजन, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन, इस तरह से रिजल्टेंट निकल के आएगा इसका। सबको समझ में आएगा? डायपोल मूवमेंट बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसको आपको वैसे ट्रीट करना होता है। इज दिस क्लियर? चलो, अब इक्वल एंड अपोजिट मूवमेंट कैंसिल ईच अदर। एक और पॉइंट है डायपोल मूवमेंट के लिए कि जब इक्वल और अपोजिट डायपोल मूवमेंट होगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। कैसे? ये एग्जांपल ला, CO2 और BF2 के केस में ऐसा ही होता है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। मान लो CO2 की स्ट्रक्चर पूछी आपसे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर इसकी कैसे होती है? ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन है। आपको पता है लीनियर स्ट्रक्चर होती है क्योंकि यहां पर कोई लोन पेयर नहीं है। अगर मैं डायरेक्शन पूछूं कि डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ होगी। यहां पर भी क्या होगा? कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ होगी। यस, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। सेम चीज यहां पर BF3 में भी होगी, अगर BEF2 में भी होगी। तो बेरिलियम है, इस तरफ फ्लोरीन है और इस तरफ फ्लोरीन है, तो आपकी जो डायरेक्शन है बेसिकली बेरिलियम से फ्लोरीन की तरफ। यहां पर भी क्या होगा? बेरिलियम से फ्लोरीन की तरफ। एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यहां पर नेट डाइपोल मूवमेंट कितना निकल के आएगा? जीरो। समझ में आ गया? क्योंकि वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, एक गंगा की तरफ जा रहा, दूसरी जमुना की तरफ जा रहा, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो यहां पर नेट डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। CO2 और BEF2 के केस में नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो ही होता है। सबको समझ में आ गया? अमेजिंग। अब अगला क्या पॉइंट है हमारे पास, BF3 ऑल्सो शोज जीरो डाइपोल मूवमेंट। ऐसा क्यों होता है? दिस इज द रीजन। क्या रीजन है इसका, मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये इसकी स्ट्रक्चर है, मैं आपको पीछे भी लेके चलता हूं, उसको मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड भी इसको समझाया जा सकता है, दैट्स नॉट अ बिग डील। तो यहां पर क्या हो रहा है, BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के केस में अगर स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ ऐसी है, ये बी है ना, इसका जो बॉन्ड बनाओगे कैसे बनाओगे, ये आपके पास बोरोन हो गया, ये फ्लोरीन हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होती है। अब आप पकड़ो, चलो इसका डायपोल मूवमेंट दिखाओ, यहां बोरोन से फ्लोरीन की तरफ, यहां पर भी क्या होगा, बोरोन से फ्लोरीन की तरफ, यहां पर भी क्या होगा, बोरोन से फ्लोरीन की तरफ। अब ये यहां जा रहा है, ये यहां जा रहा है, समझ में आ गया? इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में ही होगा कहीं। अब आप देखो, ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो यहां पर म्यू की वैल्यू क्या होगी? जीरो। एक बात मैं आपको समझा देता हूं, बड़ी कॉमन सी बात है, डायपोल मूवमेंट जिस पर्टिकुलर कंपाउंड में, ध्यान से समझना, शेप ज्योमेट्री के इक्वल होगी वहां डायपोल मूवमेंट हमेशा जीरो होगा। समझ में आ गया? जहां पर शेप ज्योमेट्री के इक्वल होती है वहां पर डायपोल मूवमेंट ऑलमोस्ट हमेशा जीरो होता है। एक्सेप्शनल केसेस की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है? ओवरऑल आपको नॉर्मल देखने से पता लग जाएगा। अच्छा, एक और चीज, अमोनिया शोज ग्रेटर डायपोल मूवमेंट देन NF3। अब ऐसा क्यों हुआ? अमोनिया का डायपोल मूवमेंट NF3 से हमेशा ज्यादा क्यों होता है? उसका भी लॉजिक बहुत सिंपल है। कैसे? स्ट्रक्चर बनाओ। अच्छा, अमोनिया की कैसे बनाओगे?
अगर अमोनिया की स्ट्रक्चर बनाओगे तो वो कैसे बनाओगे, जरा आप चेक करो अमोनिया की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ट्राइगोनल पिरामिडल, तो ये कुछ ऐसी होती है, ध्यान से आप चेक करना। एक लोन पेयर होता है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये अमोनिया हो गया। ऐसे ही आपके पास क्या बनाना है, NF3 भी बनाना है। ये देखो जरा चेक करो, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, है ना। अब आप जरा चेक करो स्ट्रक्चर, वो डायरेक्शंस दिखाओ डाइपोल मूवमेंट की। यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ, यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ, यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ। अच्छा आप एक और बात बताओ, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या लोन पेयर, लोन पेयर तो खुद ही इलेक्ट्रॉन है, तो इससे बेसिकली यहां पर एक और डायरेक्शन शो होगी, वो होगी नाइट्रोजन से लोन पेयर की तरफ। तो बेसिकली सारे एड ऑन हो रहे हैं, ध्यान से देखो, ये भी इधर ही जा रहा है, ये भी इधर ही जा रहा है, ये भी इधर ही जा रहा है और ये इधर जा रहा है, इन तीनों का रिजल्टेंट ऊपर की तरफ होगा। समझ में आ गया, ओवरऑल ये सारे के सारे एड ऑन हो रहे हैं, समझ में आ गया, तो ओवरऑल बढ़ेगा। जबकि इस तरफ आओ, यहां पर जो डाइपोल मूवमेंट है ना, नाइट्रोजन से लोन पेयर की तरफ है, नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली वो तो प्योर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहां पर क्या होगा, नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ, यहां पर नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ, यहां पर नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ। आ गया समझ में, तो ओवरऑल जरा आप ध्यान से इसको चेक करोगे तो ये तो भाई साहब जा रहे हैं ऊपर, जबकि ये तीनों कहां जा रहे हैं, नीचे। तो बेसिकली दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं कि पूरी तरह से कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर नाइट्रोजन और लोन पेयर तो सिर्फ एक ही, यहां पर तीन तीन है नीचे की तरफ, तो रिजल्टेंट आएगा बट इससे तो कम आएगा, क्योंकि यहां पर तो सब एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, यहां पर ये अलग डायरेक्शन में जा रहा है, ये तीनों अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसका डायपोल मूवमेंट हमेशा उससे ज्यादा होता है। ये मजे की बात है, हालांकि इसके साथ तीन तीन फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, फिर भी इसका डायपोल मूवमेंट NH3 से कम होता है, NH3 का डायपोल मूवमेंट हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू NF3। दैट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, आप डायरेक्शन से ही समझ जाओगे। समझ में आया सब लोगों को, ये मतलब है, जरा आप चेक करो, यहां पर NH3 में जो डायपोल मूवमेंट होता है वो 1.46 होता है, जबकि वहां पर 2.24 डिबाई ही होता है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस, तो ये इसका मतलब निकलता है, अमेजिंग। तो फाइनली आपको समझ में आया ये क्यों होता है, कैसे होता है, इज दिस क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है, यहां पर हमेशा इलेक्ट्रॉन जहां पर लोन पेयर होगा ना, डायरेक्शन लोन पेयर की तरफ ही होगी, कोई भी एटम जो है बेसिकली इलेक्ट्रॉन, प्योर इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो हो नहीं सकता। इन दैट केस यहां पर कोई भी होता, वो लोन पेयर की तरफ ही उसका डायरेक्शन जा रहा होता डाइपोल मूवमेंट का, तो ये तो सेम ही रहेगा। ये देखो नाइट्रोजन से लोन पेयर की तरफ, नाइट्रोजन से लोन पेयर की तरफ, समझ में आ गया? ये उल्टा दिखाया है, ये गलत है, ये लोन पेयर की तरफ ही होगा, जबकि ये भाई साहब दोनों सब नीचे आ रहे हैं। इज दिस क्लियर? मैं दोबारा समझा देता हूं, ध्यान से इसको समझना। यहां पर नाइट्रोजन से लोन पेयर की तरफ डायरेक्शन है, इसका हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन, सब ऐड हो रहे हैं, इसलिए यहां पर क्या हो गया 1.46, जबकि यहां पर क्या है, यहां पर नाइट्रोजन से लोन पेयर की तरफ है, ये इसको हटा देना, नाइट्रोजन से लोन पेयर की तरफ, हमेशा लोन पेयर की तरफ ही डायरेक्शन होगी किसकी, यहां पर डाइपोल मूवमेंट की, ठीक है। और यहां पर नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, यहां पर नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ और नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ, तो ये तो भाई साहब ऊपर जा रहे हैं और वो गंगा नीचे बैठ रही है, आ रहा है समझ में? तो इसलिए यहां पर घटके कितना हो गया 0.24 डिबाई ओनली, तो इसलिए कहते हैं कि इसका ज्यादा होता है, NH3 का हमेशा NF3 से ज्यादा होता है। इज दिस क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हम लोग क्या पढ़ेंगे, फजान रूल पढ़ेंगे। भाई साहब आज तो ऐसा लग रहा है कि सिर में दर्द ही हो गया, तो इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, फजान रूल को पढ़ेंगे। अगली क्लास में आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, थोड़े से क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। पहला सवाल, विच अमंग द फॉलोइंग शोज अ नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो, पहला सवाल है कि इनमें से जीरो डाइपोल मूवमेंट किसका होता है, तो जल्दी से बताओ इनमें से जीरो डाइपोल मूवमेंट किसका होगा, चार आपको ऑप्शन दे रखे हैं, जीरो डाइपोल मूवमेंट किसका होगा, जल्दी से बताओ, शाबाश। CO2 अब तो बता दो, CO2, BF3, BF2, नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो किसका है, इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दी अबव, आंसर क्या होगा, डी। ऐसा क्यों? दैट्स वेरी इजी, अगर आप देखोगे तो यहां पर CO2 में स्ट्रक्चर ये है, कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ, वहां पर भी कार्बन से ऑक्सीजन तरफ, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, मैंने आपको बताया था BF3 में भी जीरो है और BF2 में भी जीरो है। अगला सवाल, हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर ऑब्जर्व इन CO2, CO2 में कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑब्जर्व होगी, अगला सवाल ध्यान से देखो, हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर ऑब्जर्व इन CO2, CO2 में कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑब्जर्व होंगी, 1, ठीक है, अगला है हमारे पास 3, देन है 2, देन है 4, क्या आंसर होगा, 1, 2, 3, 4, हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर ऑब्जर्व इन CO2, CO2 में कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑब्जर्व होंगी,
CO2 में कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑब्जर्व होंगी? 3। अभी बना के दिखाया था, CO2 खुद भी तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में काउंट हो रहा था, समझ में आ गया। टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी होंगी? 3। CO2 में टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगी 3। कैसे? कई लोगों को नहीं समझ में आया, बताता हूं कैसे। ये देखो, ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एक, दोनों तरफ डबल बॉन्ड, ये भी तो स्ट्रक्चर ही है ना उसकी, समझ में आया। और ये टोटल 3 स्ट्रक्चर है, तो ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाई है, समझ में आ गया। इज दिस क्लियर? बहुत बच्चों को नहीं पता होता, यहाँ दो नहीं है बेसिकली, यहाँ पर आंसर आएगा 3। जो अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर मत मान लेना कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर इसको क्यों काउंट कर रहे हो, ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ही आ रही है। कैसे? मान लो ये है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन वहां पर वापस फेंक दिए, समझ में आ गया। इज दिस क्लियर? ये यहां से यहां आए और यहां से यहां आए, ये खुद भी एक स्ट्रक्चर ही है उसकी। अगला सवाल, हाउ मच इज 1 डिवाइस? सवाल पूछा गया कि एक डिवाइस में कितने कूलम मीटर होते हैं, ए बी सी डी, चार ऑप्शंस हैं। एक डिवाइस में कितने कूलम मीटर होते हैं, एक डिवाइस में कितने कूलम मीटर होते हैं? आंसर बनेगा इसका टी डी 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 डी। आंसर क्या बनेगा? डी, 3.3 × 10⁻³⁻³ कूलम मीटर, मैंने आपको बताया भी था, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब आपको होमवर्क का समय, होमवर्क में क्या है, आपको क्या करना है, डायपोल मूवमेंट का सिग्निफिकेंस या फिर एप्लीकेशन लिखनी है कि इसका डायपोल मूवमेंट का एप्लीकेशन क्या है, पहली चीज तो ये है ना। अब अगली बार मैं आपको मिलूंगा, बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल मेरे प्यारे बच्चों, सेशन हो गया ओवर, अमेजिंग सेशन था, बहुत ही बोरिंग था आज, मेरे को तो खुद को ही मजा नहीं आया, ऐसा लग रहा था कि क्या हो रहा है, बार बार तकलीफें तकलीफें तकलीफें, मजा ही नहीं आ रहा था, सच बता रहा हूँ। जब ये बार बार ये सब होता है ना, तो फिर सेशन से ऐसा होता है, ऐसा दिल टूट जाता है। 2021 और 22 का बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, है ना, और मंथली फीस अगर आप देखोगे, 12 महीने की फीस ज्वाइन करते हो तो 2800 रुपीज पर मंथ फीस है इसकी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, और ए प्रो कूपन कोड लगाओ और फटाफट से पहुंच जाओ मेरे प्यारे बच्चों। कूपन कोड लगाते ही आपको 20% का मैसिव डिस्काउंट मिलेगा, आप लॉन्ग टर्म बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, प्रो ए प्रो कूपन कोड है। एंड फाइनली हमारी ऐप को यूजर्स चॉइस 2019 अवार्ड मिला, अगर आपने अभी तक भी हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो कर लो, केबीसी में जाने का मौका मिलेगा। और टेलीग्राम ग्रुप है हमारा वेदांतु नीट ऑफिशियल, एकमात्र टेलीग्राम ग्रुप है, तो फटाफट से जाओ और उसे ज्वाइन करो, इंतजार किस बात का। फाइनली गाइज, थैंक यू सो मच, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, दिस इज अरविंद अरोड़ा साइनिंग ऑफ नाउ, गुड नाइट, टेक केयर, बाय। Good night.